हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पवनांतिल टीवी। दोस्तों, अपने अपने अपनी बाइक जिक्सर के लिए मैंने ये नया टायर मंगवाया है अमेज़ोन से। दोस्तों, अपोलो का अल्फा S1 है, जिसका साइज़ वही होता है जो जिक्सर के अंदर आता है, 140x60R17। और दोस्तों, टायर तो और भी कंपनीज का आता है, जैसे MRF का भी आता है, C8 का भी आता है, लेकिन अपोलो का मैंने इसलिए लिया दोस्तों, एक से इसके अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अभी आ रही है। ये स्टील बेल्टेड रेडियल टायर है, बोले 0 डिग्री सील स्टील बेल्टेड रेडियल टायर है। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये रहता है कि जो स्टील बेल्ट्स होती हैं, जो बड़ा पंचर होता है उसको होने से रोकती हैं। मतलब आपका इस टायर के अंदर पंचर बहुत मुश्किल से ही हो पाएगा, अगर होगा भी तो, क्योंकि जो स्टील बेल्ट्स हैं नुकीली चीज़ों को अंदर पेनिट्रेट करने से रोक देती हैं टायर के वॉल के अंदर। और दूसरा दोस्तों, इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया सिलिका और अदर कंपाउंड्स को मिला के, वो काफ़ी स्टिकी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कराने के बाद चला के भी देखा। अभी मैं आपको टायर का दिखा देता हूँ एक बार इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद। ये दोस्तों अमेज़ोन से आया, और इनकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पैकिंग के अंदर कोई भी कमी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज की डेट में ये एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब 2750 2800 तक ये आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, जो 2 ईयर्स की वारंटी भी इसके साथ। और दोस्तों, जो स्टॉक मेरे पास आया दोस्तों, वो बिल्कुल फ्रेश पीस है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कौन से वीक की मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी। ये दोस्तों का साइज़ दिया गया है 140x60R17, और ये दोस्तों 6 वीक है 2021 का, मतलब फरवरी मंथ के अंदर मैन्युफैक्चर है, तो बिल्कुल फ्रेश पीस है ये, 1 महीना पहले मैन्युफैक्चर हुआ है। मतलब पहले अगर फरवरी की बात करें तो मैंने अभी अप्रैल में इसको मंगवाया। तो ये दोस्तों आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ कैसा डिज़ाइन, कैसा टेक्सचर है साइड से। ये अल्फा S1 दोस्तों इसका नाम। ये दोस्तों साइज़ है 140 जो इसकी विड्थ होती है, और 60 जो ये जो लेंथ है दोस्तों, सामने जो दिख रही है आपको इसकी हाइट, और जो 17 है दोस्तों रिम साइज़ होता है 17 इंच। 63H दोस्तों स्पीड रेटिंग है, H जो होती है, और इसका लोड कैपेसिटी दोस्तों 280 kg तक का लोड इस पर दोस्तों आप डाल सकते हैं टायर के ऊपर, जो काफ़ी अच्छा है कैटेगरी के अंदर। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश पीस मैन्युफैक्चरर की तरफ से आया है, न्यू कुमार टायर के नाम से मैन्युफैक्चरर है, अमेज़ोन पे मैंने उससे मंगवाया है दोस्तों। 2 साल की इसके ऊपर अनकंडीशनल वारंटी भी मिलती है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से देख सकते हैं इसको, ये दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डेट है 6 वीक 2021। ये दोस्तों अपोलो का ब्रांडिंग की गई है। ये दोस्तों टेक्सचर है बिल्कुल, इसका थोड़ा सा C8 की तरफ लगता है टेक्सचर। इसमें ये है कि इसकी जो वेट ग्रिप जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये जो टेक्सचर है दोस्तों, ये पानी को फटाफट निकाल देंगे टायर के ऊपर से। अब मैं दोस्तों अंदर से भी दिखा देता हूँ इसको आपको, ये अंदर से टेक्सचर है इसका। तो दोस्तों इंस्टॉल करने के लिए चलते हैं इसके पास, मैकेनिक के पास। ये दोस्तों अभी इंस्टॉल हो रहा है टायर, ये पुराना टायर निकाल दिया गया रिम। ये दोस्तों ये ब्रेक शू डालते हैं टायर के अंदर। ये दोस्तों मेरा टायर, अब ये इसको लगाएगा रिम के अंदर थोड़ा आराम से यार, रिम रूम ना घंटे डाल तू भाई, लग रहा है लगता ही ऐसे। दोस्तों लोकल शॉप से लगवाया मैंने, तो इसलिए थोड़ा इसी तरीके से लगा रहे हैं। दोस्तों सेट हो गया बिल्कुल, हवा वगैरह इसके अंदर फिल कर दी गई है।
और अब लगाने के बाद दोस्तों कैसा लग रहा है टायर, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। पीछे से बिल्कुल चंकी लग रहा है, 140 सेक्शन का रेडियल टायर है। ये दोस्तों आप साइड से भी देख सकते हैं, ये दोस्तों इसका साइज है 140/60 R17। अब मैं दोस्तों इसको थोड़ी देर बाद आपको राइड करके भी दिखा दूंगा, थोड़े से राइडिंग शॉट्स भी मैंने डाले हैं इसमें वीडियो के एंड में, तो वो भी देख सकते हैं आप कि चलाने में कैसी लग रही है बाइक और नया टायर के बाद बाइक की लुक कैसी लग रही है चलते वक्त। तो दोस्तों अब राइडिंग शॉट्स को आप इंजॉय करो, दैट्स इट। Tries to change, even if I want to breathe.